वेरी गुड इवनिंग। होप स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू मी। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक वेस्टर्न फिलॉसफी के जिन स्कूल्स ऑफ थॉट को पढ़ चुके हैं वो हैं आपके आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, और उसी श्रेणी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म, जिसको हिंदी में प्रयोजनवाद कहा जाता है, एक ऐसी विचारधारा है जिसको हम सभी अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं और जीते भी हैं। तो प्रैग्मेटिज्म को पढ़ाने से पहले दो तीन चीज़ें मैं प्रैग्मेटिज्म के बारे में बताऊंगा, और ये समझिए कि पूरा का पूरा प्रैग्मेटिज्म उन्हीं चीज़ों पर आधारित है। और अभी कुछ और स्टूडेंट जुड़ने वाले होंगे, लेट्स वेट फॉर 1 or 2 more minutes, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं प्रैग्मेटिज्म। और ये एक ऐसा इज़म है जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यदि आप समझ लेंगे तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, सर रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म में क्या डिफरेंस है, नेचुरलिज्म प्रैग्मेटिज्म में क्या डिफरेंस है। तो मेरा सवाल उनसे ये होता है कि आपने सिमिलैरिटी कहाँ देखी है। तो जब वो सिमिलैरिटी बताना शुरू करते हैं तो उन्हीं सिमिलैरिटी में से भी कुछ ऐसे पॉइंट निकल आते हैं जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस एकदम क्लियर कर देते हैं। प्रैग्मेटिज्म की बात करें, सोशल ओरिएंटेशन है। प्रैग्मेटिज्म की बात करें, प्रैग्मेटिज्म ह्यूमनिस्टिक एक फिलॉसफी भी कहा जाता है इसको, मानववादी दर्शन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है कि कौन सा दर्शन मानववादी दर्शन कहा जाता है, तो आप वहाँ बता सकते हैं। इसी तरीके से प्रैग्मेटिज्म के बारे में और कई सारी चीज़ें, कई तो इसके नाम हैं, जैसे इसको इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी कहा जाता है। और इंस्ट्रूमेंटलिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि जॉन डीवी के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, ये अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है और एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट करा सकता है। तो दोनों तरीके से एनवायरनमेंट को एज अ मींस यूज़ कर सकता है और खुद भी एज अ मींस एनवायरनमेंट के लिए यूज़ हो भी सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए इसको एक इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी कहा जाता है। ओरिजिन से अगर हम शुरू करें तो प्रैग्मेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रैग्मा और प्रैग्मेटिकोस दो शब्द हैं उनसे बना है, जिनका अर्थ होता है व्यवहारिकता और क्रिया। व्यवहारिकता मीन्स एनीथिंग विच हैव प्रैक्टिकल यूज, एंड क्रिया मीन्स एक्टिविटी। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका प्रैक्टिकल यूज है वो प्रैग्मेटिस्ट की श्रेणी में आती है, प्रैग्मेटिज्म उसको सपोर्ट करते हैं। अब सपोर्ट से बात आती है कि किन लोगों ने प्रैग्मेटिज्म के कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट किया और किन लोगों ने प्रैग्मेटिज्म के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। तो वहाँ पे हम लोग 4-5 लोगों के नाम नोट करेंगे। पहले व्यक्ति हैं चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। उन्हीं के समकालीन दूसरे व्यक्ति हैं विलियम जेम्स। इन दोनों को पायनियर ऑफ प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है, जिसमें से विलियम जेम्स का कंट्रीब्यूशन स्लाइटली ज़्यादा मानते हुए विलियम जेम्स को मेन प्रोपाउंडर ऑफ प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है। बहुत से लोग जो सिर्फ बीएड में ही फिलॉसफी पढ़े हैं, एमएड में बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़े, उनको ये कन्फ्यूज़न रहती है कि हमें तो जब भी प्रैग्मेटिज्म की बात आती है तो जॉन डीवी का नाम आता है। लेकिन जब वो फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म का क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया तो यूजीसी नेट की आंसर की में उस पर विलियम जेम्स का जवाब सही माना हुआ था। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि विलियम जेम्स ने इस कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट किया, विलियम जेम्स ने मूल रूप से प्रैग्मेटिज्म को बढ़ाया। अगर आपको आता है प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन का को किसने प्रोपाउंड किया, किसने उसको कौन इसके प्रवर्तक हैं, शिक्षा में प्रयोजनवाद के प्रवर्तक कौन है, तो वहाँ आप जॉन डीवी लगाएंगे। समाज में प्रयोजनवाद के जो प्रवर्तक कौन कौन से हैं,
ये आपसे अगर यदि पूछा जाए तो वहां आप जॉन डी भी लगाएंगे। लेकिन केवल प्रयोजनवाद पूछा गया है तो केवल प्रयोजनवाद में विलियम जेम्स, और अगर विलियम जेम्स ऑप्शन में नहीं है तो 100% चार्ल्स सैंडर्स पियर्स होंगे। इन केस इन दोनों में से कोई नहीं है, इन दैट केस वी कैन गो फॉर जॉन डीवी। तो जॉन डीवी, विलियम जेम्स और चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, इनको शॉर्ट में हम लोग पियर्स बोलेंगे, पियर्स डीवी, पियर्स जेम्स एंड जॉन डीवी। अब जॉन डीवी के शिष्य थे किल पैट्रिक। जॉन डीवी के शिष्य थे किल पैट्रिक, जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड के नाम से आप लोग जानते होंगे। उन्होंने फर्दर जॉन डीवी की जो शिक्षाएं थीं, जॉन डीवी के जो कंट्रीब्यूशन था उसको आगे बढ़ाया प्रैग्मेटिज्म को। और बहुत कम लोग जानते हैं कि किल पैट्रिक ने बेसिकली अमेरिका में अपना अमेरिका में इस विचारधारा को बढ़ाया था। एक और व्यक्ति थे शिलर, उन्होंने इंग्लैंड में प्रयोजनवाद को बढ़ाया। तो इस तरीके से वेस्टर्न फिलॉसफी है, वेस्टर्न में भी कई सारी अलग अलग कंट्रीज में कई अलग अलग लोग हुए हैं जिन्होंने प्रैग्मेटिज्म को बढ़ावा दिया है अपने अपने समय पर। तो अब हम सामान्य भाषा में, इन अ कॉमन लैंग्वेज, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म। व्हाट इज प्रैग्मेटिज्म बेसिकली? प्रैग्मेटिज्म इज अ फिलॉसफी दैट बिलीव्स दैट वट एवर इज देयर अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास है, फ्रॉम देम एवरीथिंग विच कैन बी ऑफ एनी ऑफ यूज टू मी, जो एक मनुष्य के लिए, किसी मानव के लिए किसी भी प्रकार से प्रयोग में लाई जा सकती है, इट शुड बी फॉलोड, उसको फॉलो किया जाना चाहिए, इट शुड बी यूज, उसको यूज किया जाना चाहिए, और उसको उसी को ही आप रियल मानेंगे। कोई भी चीज जो मेरे काम की नहीं है, जिससे मुझे किसी भी तौर से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो चीज मेरे काम की नहीं है और मेरे लिए वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो कहने का मतलब ये है, प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी जो है, इसको थोड़ा सा सेल्फिश फिलॉसफी भी कहा गया है। सामान्य भाषा में समझने के लिए समझिए कि ये दर्शन कहता है कि हर वह चीज जो मेरे काम की है, बस वही, उसी को मैं फोकस करूंगा, जो मेरे काम की नहीं है उसे मैं फोकस नहीं करूंगा। और थोड़ा सा गहराई में जाएं तो प्रैग्मेटिज्म के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज के आधार पर इसकी फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म आपको अलग अलग बुक्स में मिलेंगी। आपको हेडिंग दी होगी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। वो फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म वो कुछ और नहीं है, बेसिकली वो प्रैग्मेटिज्म की मेटाफिजिक्स ही बताती हैं। क्योंकि जब हम अभी तक हमने जितनी भी फिलॉसफी पढ़ी है, सभी में हमने उस हर फिलॉसफी की मेटाफिजिक, एपिस्टमोलॉजी, एक्सियोलॉजी पढ़ी है। तो जब हम प्रैग्मेटिज्म की मेटाफिजिक्स की बात करते हैं, तो मेटाफिजिक्स डील्स विद रियलिटी, एंड रियलिटी अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म इज एवर चेंजिंग। प्रैग्मेटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि कोई भी चीज, यहाँ तक कि ट्रुथ भी, किसी भी चीज को जिसको आप सत्य मानते हैं, वो देश, परिस्थिति, काल के अनुसार अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इसलिए किसी भी चीज को आप हमेशा सत्य होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकते। सत्य भी समय के साथ साथ परिवर्तित होता है, ये प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी मानती है। प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी के अनुसार जो आइडियल वर्ल्ड है, मतलब एक ऐसा संसार जिस जो परफेक्ट है, 100% परफेक्ट है, इट इज समवेयर इन द फ्यूचर, और हम सभी, अवर होल वर्ल्ड इज इन द स्टेज ऑफ मेकिंग, हम सभी अभी निर्माण की अवस्था में, हम उस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं भविष्य में है, जहां पर 100% परफेक्शन है, 100% परफेक्शन, 100% 100% पूर्णता की स्थिति है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भविष्य में है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा जो संसार है वो अभी निर्माण की अवस्था में है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द होल वर्ल्ड इज इन द स्टेज ऑफ मेकिंग, पूरा जो संसार है वो निर्माण की अवस्था में है, ये किस दर्शन से लिया गया है? तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो स्टेटमेंट है ये प्रेग्मेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद दर्शन की स्टेटमेंट है। तो एक एक करके इसकी मेटाफिजिक, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी पे थोड़ा सा विचार करते हैं। तो अभी जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि मेटाफिजिक्स एज पर प्रेग्मेटिज्म, रियलिटी इज एवर चेंजिंग, रियलिटी हमेशा परिवर्तित होती रहती है। तो किस चीज को रियल माना जाए प्रेग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग?
तो कई बुक्स में तो लिखा हुआ है कि प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग मेटाफिजिक्स है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी चीज़ को रियल मानते ही नहीं है। इनके अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ हमेशा रहने वाली है ही नहीं। जब हर चीज़ बदलने वाली है तो हम किसको रियल बोलें? तो नथिंग इज रियल इन दिस वर्ल्ड, ये प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच बोलती है। बट स्टिल, जैसे अगर हम विलियम जेम्स और शिलर की बात करें, तो ये दोनों ही इस बात को मानते हैं कि केवल वही वस्तुएं सत्य हैं, केवल वही वस्तुएं व क्रियाएं सत्य हैं जो मानव के लिए उपयोगी हैं। केवल वही वस्तुएं व क्रियाएं सत्य हैं जो मानव के लिए उपयोगी हैं। ओनली दोज ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज आर ट्रू विच आर असेंशियल और विच आर यूजफुल फॉर अ मैन। सो एंड दिस दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज नोन एज ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ प्रैग्मेटिज्म ह्यूमन बीइंग इज इन द सेंटर। और इसी वजह से इसको मानववादी दर्शन भी कहा गया है, क्योंकि आपको ये भी सवाल आया कि विच फिलोसफी इज नोन एज ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी, तो वहां पर आप प्रेग्मेटिज्म का नाम लिखेंगे। तो विलियम जेम्स के बाद हम बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा ह्यूमनिस्टिक प्रेग्मेटिज्म, इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रेग्मेटिज्म। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, केवल वही सत्य है जो प्रयोग की कसौटी पर खरा उतरे। ओनली दैट एक्टिविटी और ऑब्जेक्ट इज ट्रू ट्रू विच विच कम्स आउट टू बी परफेक्ट ऑन द क्राइटेरिया ऑफ एक्सपेरिमेंट। जिसको आप एक्सपेरिमेंट के माध्यम से सत्य सिद्ध कर सकें, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जांच सकें, केवल वही सत्य है, इसके अलावा कुछ और सत्य नहीं है। और इसी के आधार पर प्रैग्मेटिज्म को एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कहा गया, और इस विचारधारा को एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म का नाम दिया गया, प्रयोगवादी प्रयोजनवाद। अब प्रयोगवादी प्रयोजनवाद के सपोर्टर जॉन डीवी थे, ये आपको आ सकता है कि जॉन डीवी इंस्ट्रूमेंटलिज्म के भी सपोर्टर थे, और इंस्ट्रूमेंटलिज्म कहीं ना कहीं प्रयोगवाद से मिलता जुलता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटलिज्म में उन्होंने बताया कि मानव वातावरण के अनुसार अपने आप को चेंज कर सकता है, और जरूरत पड़ने पर अपने लिए वातावरण को भी चेंज कर सकता है। तो ये जो दोनों जो टू टू फोल्ड एक्शन है, इसी को ही उन्होंने इंस्ट्रूमेंटलिज्म के नाम से, और हिंदी में उसके तो कई नाम है, साधनवाद, नैमित्तिकरण, उपकरणवाद, इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंटलिज्म। तो इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी जॉन डीवी का है। एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म जो मैंने अभी आपको बताया, जो ये बिलीव करता है केवल वही चीज सत्य है जो प्रयोग के आधार पर, एक्सपेरिमेंट के आधार पर सत्य सिद्ध की जा सकती है। इसके अलावा एक और प्रैग्मेटिज्म की विचारधारा है, जिसको हम बोलते हैं नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म को हिंदी में कहा जाता है नाम रूपी प्रयोजनवाद। नाम रूपी प्रयोजनवाद नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, ये वो प्रैग्मेटिज्म है जो ये मानता है कि केवल वही ज्ञान सत्य है जो अनुभव के आधार पर है। इनके अनुसार परिणाम को हमें फोकस करना चाहिए, भाषा पे फोकस करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर इंग्लिश में बोलिए, कोई बोलता है कि हिंदी में बोलिए, कोई भाई और तो मुझे कोई लैंग्वेज आती ही नहीं है। लेकिन एज पर प्रैग्मेटिज्म दे सेड दैट वी शुड बी कंसर्न विद द रिजल्ट ओनली। और रिजल्ट कैसे आया, किस किस भाषा से आया, कौन से तरीके से आया, उस पर आपको फोकस नहीं करना है, रिजल्ट पे फोकस करना है। रिजल्ट आपके काम का है तो वो चीज़ आपको अपनानी है, रिजल्ट आपके काम का नहीं है तो वो चीज़ आपने नहीं अपनानी है। तो इसी विचारधारा को कहा गया नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। वही ज्ञान सत्य है जो अनुभव पर आधारित है, भाषा चाहे कोई भी हो, परिणाम पे हमारा फोकस होना चाहिए और रिजल्ट पे फोकस होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्रैग्मेटिज्म, या जिसको हम मेटाफिजिक्स भी बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म की, इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। जैसा कि नाम से पता है, नाम से पता चल रहा है, बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म में किस चीज किस की बात होती है कि ये ह्यूमन बीइंग को एक मनोशारीरिक जीव मानते हैं। मनोशारीरिक मतलब जिसमें मन है और शरीर है। तो जब मन है और शरीर है तो इनकी आवश्यकताएं भी होंगी। तो हर वह चीज सत्य है जो मनुष्य की मनोशारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, और इस विचारधारा को ही बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म कहा गया है। जितना मैंने अभी तक आपको बताया है, उसमें अगर आप मोटे मोटे तौर पे अगर
मुख्य चीजों को समझने का प्रयास करें तो प्रैग्मेटिज्म बेसिकली, जिसको हम प्रयोजनवाद बोलते हैं, ये मान के चलता है कि द होल वर्ल्ड इज इन द स्टेज ऑफ मेकिंग, यानी कि पूरा जो संसार है वो परिवर्तन की अवस्था में है। और जब पूरा संसार परिवर्तन की अवस्था में है तो किसी भी चीज को हम लोग सत्य नहीं कह सकते। लेकिन यदि आपको सत्य मानना ही है, मेटाफिजिक्स पे फोकस करना ही है, तो इनके कुछ विचारधाराएं बनी हुई हैं जिन विचारधाराओं के आधार पर इसके कई रूप बन गए हैं। तो प्रैग्मेटिज्म का पहला रूप मैंने आपको बताया, ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, जो ये कहता है केवल वही चीजें सत्य हैं जो मानव के लिए उपयोगी हैं। तो मानव को केंद्र रखकर ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। दूसरा एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म, ये मानते हैं केवल वही चीजें सत्य हैं जो एक्सपेरिमेंट के आधार पर सिद्ध की जा सकती है, एक्सपेरिमेंट के आधार पर सत्य सिद्ध की जा सकती हैं। इसके बाद नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, जो ये मानते हैं कि आपको परिणाम पर फोकस करना चाहिए, भाषा कोई भी हो, रास्ता कोई भी हो, आप यदि आपको परिणाम आपके काम का है तो उसी पर फोकस कीजिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। इसके बाद हमने बात की बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म, जिसको जैविक या जीववादी, जीव विज्ञानवादी प्रयोजनवाद कहा गया है। तो जीव विज्ञानवादी प्रयोजनवाद मनुष्य को एक मनोशारीरिक जीव मानता है, और इनके अनुसार हर वह वस्तु, हर वह क्रिया जो मन और शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, यानी कि किसी भी मनुष्य की बायोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करती है, वही उसके लिए सत्य सिद्ध होती है। तो प्रैग्मेटिज्म के कई सारे जो रूप हैं, ये रूप ही प्रैग्मेटिज्म की वास्तविकता, उसकी मेटाफिजिक्स को क्लियर करते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब जितना मैंने अभी आपको बताया है, इसमें से आपको चार पांच तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं। पहला सवाल मैंने आपको बताया था इंस्ट्रूमेंटलिज्म के ऊपर, सवाल आपको आया कि इंस्ट्रूमेंटलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो यहां पर आप विलियम जेम्स नहीं लगाएंगे, यहां पर आप जॉन डीवी लगाएंगे, क्योंकि इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जॉन डीवी। और जॉन डीवी ने भी एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ये इस बात को महसूस किया, और उसको इन्होंने लिखा, लोगों तक पहुंचाया इंस्ट्रूमेंटलिज्म को, कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो वातावरण के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेता है, और जब जरूरत पड़ती है तो वातावरण को भी अपने अनुसार चेंज कर लेता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में मनुष्य को एज एन इंस्ट्रूमेंट, एक साधन के रूप में ट्रीट किया गया है, और इसी विचारधारा को इंस्ट्रूमेंटलिज्म कहा गया है, जॉन डीवी की विचारधारा है। इसके अलावा आपको सवाल आया है द होल वर्ल्ड इज इन अ स्टेज ऑफ मेकिंग, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, किस किस इज्म से रिलेटेड है, वो मैंने आपको बता दिया, प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड है। और बेसिक कॉन्सेप्ट कि प्रैग्मेटिज्म किसको रियल मानता है, फ्रेंकली स्पीकिंग प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग कुछ रियल है ही नहीं। प्रैग्मेटिज्म कहता है कि रियल क्या है, जब हर चीज ही बदल रही है, एवरीथिंग इज एवर चेंजिंग, तो आप किसी भी चीज को रियल नहीं कह सकते। स्टिल अगर हम जीवन जीने के लिए ये मानना आवश्यक है कि रियलिटी किसे कहते हैं, तो रियलिटी के कुछ पहलू हैं जो मैंने अभी आपको बताए। कोई बायोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने को रियलिटी मानता है, कोई एक्सपेरिमेंट को फुलफिल करने को रियलिटी मानता है, किसी के अनुसार मानव के लिए उपयोगिता, ये वास्तविकता का आधार है, और कुछ लोग मानते हैं कि परिणाम उपयोगिता का आधार है। तो इस आधार पर प्रयोजनवाद के अलग अलग प्रकार मैंने आपको बताए, जो कि मेटाफिजिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म को क्लियर करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद नॉलेज एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। अब देखिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा आपको, अगर उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो अपने आप इसका जवाब दे देंगे। जब मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द नॉलेज अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म, तो आप अपने आप ही बताना शुरू कर देंगे कि प्रयोजनवाद के अनुसार जो ज्ञान है, प्रयोजनवाद किसको ज्ञान मानेंगे। पहली चीज तो हर चीज बदल रही है, और इनके अनुसार वही चीजें सत्य हैं जो मानव के लिए उपयोगी हैं, प्रयोग के आधार पर सिद्ध हो सकती हैं, जो परिणाम पर आधारित होती हैं, और जो मनो मनो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। तो ज्ञान भी वही है जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, ज्ञान भी वही है जो प्रयोग के आधार पर सिद्ध हो सकता है, ज्ञान भी वही है जो परिणाम आधारित है, और ज्ञान भी वही है जो मनुष्य की मनोशारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित है। तो जो मैंने प्रैग्मेटिज्म के प्रकार बताए, उसी के आधार पर आप ज्ञान की व्याख्या अपने आप कर सकते हैं कि प्रयोजनवाद के अनुसार ज्ञान क्या होगा। तो अगर आपसे एपिस्टेमोलॉजी ऑफ प्रैग्मेटिज्म पूछी जाती है, तो
आप कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट दिस इज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ प्रैग्मेटिज्म। एपिस्टेमोलॉजी के बाद हम लोग बात करते हैं एक्सियोलॉजी की। एक्सियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, एक्सियोलॉजी डील्स विद वैल्यूज एंड एज पर प्रैग्मेटिज्म देर आर नो फिक्स्ड वैल्यूज इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि जैसे जैसे संसार में परिवर्तन आता है, जैसे जैसे आपकी एज में परिवर्तन आता है, आपके वातावरण में परिवर्तन आता है, उस वातावरण से डील करने के लिए यू हैव टू फॉलो डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज। सो वैल्यूज आर एवर चेंजिंग एज पर प्रैग्मेटिज्म। समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार मूल्य भी परिवर्तित होते हैं। ये प्रयोजनवाद की विचारधारा है। तो मेरे ख्याल से जो मैंने अभी तक आपको डिस्कशन दिया और जब अभी तक एक्सप्लेनेशन दी, होपफुली आप लोगों को उसके माध्यम से ये समझ में आया होगा कि प्रैग्मेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, किन शब्दों से मिलकर बना है, कौन लोग इसके सपोर्टर हैं, और अगर आपको सवाल आता है हु इज़ द फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन, प्रैग्मेटिज्म इन सोशोलॉजी, तो वहाँ आपने जॉन डीवी का नाम लगाना है। लेकिन अगर आपको इन जनरल पूछा जाता है हु इज़ द फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म, तो वहाँ आप विलियम जेम्स को सपोर्ट करेंगे। इन केस विलियम जेम्स इज नॉट देयर, यू विल गो फॉर पियर्स, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स और विलियम जेम्स दोनों ही समकालिक थे। ऑलमोस्ट 2-4 साल का ही फर्क है उन दोनों के जीवन काल में, और समकालिक हैं दोनों ने काफी प्रयोजनवाद के बारे में काफी कुछ लिखा है, बताया है और कहा है। तो इन सबको समझने के पश्चात अब हम बात करते हैं कि प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं। प्रयोजनवाद के जब मूल सिद्धांतों की बात करते हैं तो हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग जो बेसिक हैं प्रयोजनवाद की। हालांकि कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा अगर इन बेसिक्स को समझ लेंगे तो अपने आप ही आपको और क्लैरिटी हो जाएगी प्रैग्मेटिज्म के बारे में। जैसे कि सबसे पहली बात ये मानते हैं कि पूरा का पूरा जो संसार है ये तत्वों और क्रियाओं का परिणाम है। द होल वर्ल्ड इज द रिजल्ट ऑफ मैटर एंड एक्टिविटीज। जितने भी तत्व हैं और जो जो भी क्रियाएं हैं उसी की वजह से पूरे संसार का निर्माण हुआ है। यहाँ तक कि आत्मा भी ये मन को मानते हैं और मन को भी एक तत्व मानते हैं। तो इनके अनुसार आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक तत्व उसको भी तत्व माना है और संसार के निर्माण में उसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बस अचानक से मुझे याद आया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो फिर इसको मैं रिलेट करता हूँ नेचुरलिज्म और प्रेगमेंट आइडियलिज्म से। नेचुरलिस्ट फोकस करते थे नेचर के ऊपर, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के ऊपर। आइडियलिस्ट फोकस करते थे टीचर सेंटर्ड अप्रोच और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इनके अनुसार ये जो भौतिक संसार है जो हमें दिखाई दे रहा है ये भी रियल नहीं है क्योंकि ये भी हमेशा बदल रहा है। तो बजाय इसके कि हम संसार पे फोकस करें, हम लोग एक्टिविटीज पे फोकस करेंगे, हम लोग एक्सपेरिमेंट पे फोकस करेंगे और हम लोग ये देखेंगे मेरे काम की क्या चीज है। और इसलिए हो सकता है किसी किसी व्यक्ति के लिए कोई दूसरी चीज काम की हो, किसी व्यक्ति के लिए कोई और चीज काम की हो, कि हर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग चीज काम की है। और मान लीजिए अगर हम हर उस चीज को ईश्वर मानते हैं जो हमें ब्लेसिंग देता है या जो हमारे काम का है, तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ईश्वर हो गए। तो इस आधार पर प्रैग्मेटिज्म को अनेक ईश्वरवादी कहा जाता है। अनेक ईश्वरवादी मतलब ये कई ईश्वर में विश्वास करता है। जबकि हम बात करें नेचुरलिज्म की, वो तो ईश्वर में विश्वास करते ही नहीं है, वो नेचर में विश्वास करते हैं। प्रैग्मेटिस्ट की बात करें तो प्रैग्मेटिस्ट पूरी तरीके से अध्यात्म में विश्वास करते हैं, उसको किसी भी आधार पर किसी भी तरीके से समझे लेकिन वो अध्यात्म को फोकस करेंगे। तो ये अनेक ईश्वरवादी दर्शन भी इसको कहा जाता है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि यह संसार अनेक तत्वों और क्रियाओं का परिणाम है, नंबर एक। नंबर टू आप नोट कर सकते हैं कि यह भौतिक संसार ही सत्य है, इसके अलावा कोई और आध्यात्मिक संसार नहीं है। और ये भी आंशिक रूप से सत्य है क्योंकि ये कब बदल जाएगा आपको नहीं पता, तो इसलिए ये एवर चेंजिंग है। अगर आप सत्य मानेंगे तो इसे ही मानेंगे, इसमें से भी वो हिस्सा जो आपके काम का है बस। तीसरी चीज उन्होंने बताया कि आत्मा भी जो है वो एक पदार्थ जन्य पदार्थ है और आत्मा की तुलना मन से की गई है और मन को भी पदार्थ माना गया है। तो इसलिए
आत्मा को भी ये पदार्थ जन्य मानते हैं, और इसी विचारधारा को मानववादी विचारधारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह विचारधारा ये मानती है कि मनुष्य इस संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो क्योंकि यह विचारधारा इस बात में विश्वास रखती है, इसलिए इस विचारधारा को इसका एक पॉइंट है कि इसीलिए इसको मानववादी विचारधारा कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इसके अलावा दो तीन चीजें और हैं कि मानव का विकास ही सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि मानव से मिलकर समाज का निर्माण हुआ है। यदि मानव का विकास होगा तो समाज में कोई ना कोई क्रिया होगी, उसी की वजह से मानव का विकास होगा। तो अल्टीमेटली वी कैन कंक्लूड दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इज द सोशल एक्टिविटी और सोशल प्रोसेस। सो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो सोशल प्रोसेस है, वो सामाजिक क्रिया है, और जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तो सोशल सोसाइटी की भी डेवलपमेंट होगी, और ये तभी पॉसिबल होगी जब ये दोनों चीज़ें मिलकर एक साथ काम करेंगी। सो मानव का विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है, बिना समाज के विकास के मानव का विकास नहीं हो सकता, लेकिन मानव को अपने विकास के लिए खुद ही सोचना होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मनुष्य का जीवन सुखपूर्वक जीना है, ये रियलिज्म भी मानते हैं, नेचुरलिज्म भी मानते हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है। लेकिन एक बात जो नई है वो ये कि ये मानते हैं कि मनुष्य को सुखपूर्वक जीने के लिए समाज की आवश्यकता है। आई रिपीट, फॉर लिविंग लाइफ विद फुल ऑफ हैप्पीनेस वी नीड अ गुड सोसाइटी। ये प्रैग्मेटिस्ट इस बात को बहुत फोकस करते हैं, इस बात पे विश्वास करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, जॉन डीवी का कॉन्सेप्ट है सोशल एफिशिएंसी। अगर वैसे तो उन्होंने कहीं मूल्यों की बात नहीं की है, लेकिन अगर आपको मूल्यों में कुछ ढूंढना चाहेंगे तो एक सोशल एफिशिएंसी वर्ड आपको मिलेगा। सोशल एफिशिएंसी में उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को समाज में कुशल बनना चाहिए, क्योंकि यह समाज ही है जो उसको सुख देगा, खुशी देगा। तो यदि आप समाज के अपनी अपने अंदर सोशल इंटेलिजेंस डेवलप करेंगे, जितने ज़्यादा अपने अंदर कोऑपरेटिवनेस डेवलप करेंगे, आप सोसाइटी में उतने ही खुशी से रह पाएंगे, आप खुद भी खुश रहेंगे। क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं हैप्पीनेस का जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो आउटसाइड है, एज पर जॉन डीवी। तो प्रैग्मेटिस्ट इस बात को मानते हैं कि सुखपूर्वक जीने के लिए सामाजिक विकास आवश्यक है। तो यहीं पर उन्होंने सोशल एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट भी दिया है, और इसके अलावा ये स्टेट गवर्नमेंट को भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन मानते हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो प्रैग्मेटिज्म की थी। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से प्रैग्मेटिज्म के कॉन्सेप्ट को हम लोग एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं, और इनके अकॉर्डिंग क्या एम्स ऑफ एजुकेशन हो सकते हैं, और इनमें से किस किस ने क्या क्या कहा है। एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जॉन डीवी की डेफिनेशन है, इस पर सवाल आपको आया हुआ है इसलिए आपको बता रहा हूँ। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण करने और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। रिपीट करता हूँ, शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है, यानी कि शिक्षा के अंदर मनुष्य की उन सभी योग्यताओं का विकास कराया जाए। कौन सी योग्यताएं? नंबर एक, जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण करने का विकास करे, कि जो बताए कि कैसे आप अपने आसपास के एनवायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य दे, यानी कि आपके अंदर जो भी पोटेंशियल है उसको मैक्सिमाइज करने में आपको हेल्प करे। तो दिस इज द एजुकेशन। तो एजुकेशन वह है जो आपको हेल्प करेगी आपकी उन कैपेसिटीज को डेवलप करने में, उन योग्यताओं को डेवलप करने में, जो दो चीजों में आपकी हेल्प करेगी। नंबर एक, आपके एनवायरनमेंट को, वातावरण के ऊपर से आपका एडजस्टमेंट अच्छा करने में, और दूसरी चीज आपके अंदर जो छुपी प्रतिभाएं हैं, आपका जो पोटेंशियल है उसको मैक्सिमाइज करने में, उसको बाहर निकालने में। तो ये दो बातें शिक्षा के अनुसार, बहुत जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा में होनी चाहिए। और इसको इंग्लिश में और रीड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ लिसनर्स हैं जो इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। तो देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन गिवन बाय जॉन डीवी, इट इज द एजुकेशन, आई रिपीट, एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल विच विल इनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज इज दैट विच
असिस्ट द इंडिविजुअल नंबर वन इन मेकिंग इन मेकिंग हिम इनेबल टू इन मेकिंग हिम इनेबल टू कंट्रोल हिज एनवायरमेंट एंड नंबर टू विच मैक्सिमाइज हिज पॉसिबिलिटीज विच मैक्सिमाइज हिज पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन गिवन बाय जॉन डीवी. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फ्रॉम एग्जाम. ओके देयर वाज सम नेटवर्क इशू. So let us understand the aims of education according to pragmatism. According to pragmatism, as such, there can be no fixed और अपने आदर्शों को निश्चित करने की क्षमता का विकास करना. रिपीट करता हूँ, अपने पर्यावरण को समझने, अनुभवों को प्राप्त करने और अपने आदर्शों को निश्चित करने की क्षमता. मतलब हर बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरे आदर्श क्या हैं, मुझे किन चीज़ों को पालन करना है, मुझे कैसे अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना है और किस तरीके से मुझे. हाँ जी, तो अपने वातावरण को समझने, अनुभवों को प्राप्त करने और आदर्शों को लिस्ट करना कि किन किन आदर्शों का मुझे पालन करना है, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए. इसके अलावा शिक्षा का उद्देश्य गतिशीलता का विकास करना. गतिशीलता का विकास करने का अर्थ क्या है कि हमें हर क्योंकि हर परिस्थिति बदल रही है. जैसे जैसे परिस्थिति बदल रही है वैसे वैसे आपको अपने आप को बदलना होगा परिस्थिति के अनुसार. क्योंकि अगर आप अपने आप को परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलेंगे तो आप रिडंडेंट हो जाएंगे. तो इनके अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य बालकों को गतिशील बनाना होना चाहिए, वातावरण के साथ तुरंत समायोजन करना, वातावरण को समझना, उसके साथ तुरंत समायोजन करना सिखाना चाहिए. इसके अलावा तीसरा उद्देश्य इन्होंने शिक्षा का बताया कि सामाजिक कुशलता का विकास, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को सोशली इंटेलिजेंट होना चाहिए एज पर जॉन डीवी, क्योंकि इट इज अ सोसाइटी विच मेक्स यू हैप्पी. सो अगर आप हैप्पीनेस चाहते हैं, अगर आप सुख चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें, जो कि शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए, तो इसलिए बच्चों को सोशली एफिशिएंट बनाना बहुत आवश्यक है. कोऑपरेशन की फीलिंग, शेयरिंग की फीलिंग और आपस में बात करने की कैपेसिटी और किस तरीके से हम लोग घुल मिल जाते हैं, तो ये इस तरह की जो ये सोशली इंटेलिजेंट व्यक्ति के अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बाल स्तर से ही बच्चों के अंदर डेवलप करनी शुरू कर देनी चाहिए, तभी उनके अंदर सामाजिक कुशलता का निर्माण होता है, यानी कि सोशल एफिशिएंसी. आपने देखा होगा कुछ लोग बड़ी जल्दी दोस्त बना लेते हैं, कुछ लोग एनवायरनमेंट में बड़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं. इट इज देयर सोशल इंटेलिजेंस विच मेक्स देम पॉपुलर अमंग द पीपल. और वो हमेशा खुश भी रहते हैं क्योंकि वो सोसाइटी के बीच में रहते हैं, सोसाइटी से को अच्छे से समझते हैं, सोसाइटी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी करते हैं. तो इनके अकॉर्डिंग हर बच्चे के अंदर सोशल एफिशिएंसी डेवलप करना शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए. और इसके अलावा क्योंकि प्रैग्मेटिज्म डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डेवलप करने की बात करता है, इसलिए शिक्षा का एक उद्देश्य लोकतंत्रीय जीवन के लिए तैयार करना भी होना चाहिए, लोकतंत्रीय जीवन की शिक्षा देना होना चाहिए. तो ये कुछ उद्देश्य हैं जो शिक्षा के प्रयोजनवाद के अनुसार हो सकते हैं. क्योंकि वैसे तो प्रयोजनवादी कहते हैं कि हर चीज बदल रही है, लेकिन उस बदलते हुए चीज एनवायरनमेंट में किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसके आधार पर इन्होंने शिक्षा के कुछ उद्देश्य बताए हैं जो मैंने आपको बताया. इसके अलावा हम बात करते हैं करिकुलम की. अगर पाठ्यचर्या की बात करें तो अब खुद सोचिए कि ऐसा अगर हर चीज़ बदल रही है, हर चीज़ बदल रही है और केवल वही आपके लिए सत्य है जो आपके लिए उपयोगी है, केवल वही आपके लिए सत्य है जो एक्सपेरिमेंटल है, केवल वही आपके लिए सत्य है जो परिणाम आधारित है, केवल वही आपके लिए सत्य है जो आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है. तो ऐसे एनवायरनमेंट में और हर चीज़ बदल रही है, ऐसे एनवायरनमेंट में कैसा करिकुलम आप बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे, सोचिए. मतलब आपके करिकुलम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं तो फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए. जैसे आपके सोशल साइंसेज होने चाहिए, आपके साइंस आपको पढ़ाई जानी चाहिए, मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाना चाहिए, लिटरेचर आपको पढ़ाया जाना चाहिए. यस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर फोकस करना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये आपको सोशली एफिशिएंट बनाने की बात भी करते हैं, इसलिए इनका सोशल साइंस पर भी पूरा ही फोकस है. जैसे अगर हम बात करें नेचुरलिज्म की और रियलिज्म की, तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्राइम इंपॉर्टेंस देते हैं और सोशल साइंस को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देते हैं.
लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रेगमेटिज्म की, तो नंबर एक तो ये बात कि प्रेगमेटिज्म टीचर और स्टूडेंट दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस देने की बात करता है, और नंबर टू ये सोशल साइंस और साइंस इनको भी बराबर इंपॉर्टेंस देने की बात करता है, तो इसलिए प्रेगमेटिज्म को एक बैलेंस्ड फिलोसफी भी कहा जाता है। और वर्तमान में वैसे भी अगर आप देखें हर जगह केवल लोग बोलते भी हैं कि आजकल का जमाना बड़ा खराब है कि लोग एक दूसरे से केवल मतलब के लिए बात करते हैं, तो मतलब के लिए जो बात करने वाले हैं प्रयोजनवादी या प्रेगमेटिस्ट ही हैं, तो ये सबसे ज्यादा प्रिवेल्ड फिलोसफी भी कही जाती है इन करंट सिनेरियो। तो एज सच उन्होंने कोई फिक्स्ड करिकुलम तो नहीं दिया, लेकिन हाँ कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके आधार पे करिकुलम डेवलप किया जाना चाहिए, जैसे कि उपयोगिता का सिद्धांत, जो भी चीज़ बच्चों को पढ़ाई जाए वो उनके उपयोग में आनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ ना पढ़ाई जाए जो उनके उपयोग में नहीं आए। नंबर टू रुचि का सिद्धांत, बच्चों के इंटरेस्ट पर आधारित चीज़ें ही उनको पढ़ाई जानी चाहिए, जो बच्चों के इंटरेस्ट में नहीं है उनको बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। इसके अलावा क्रिया का सिद्धांत, यानी कि हर वह चीज़ बच्चों को पढ़ाइए और पढ़ाने का तरीका आपका एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, जितना आप एक्टिविटीज़ बच्चों को बताएंगे, जितने प्रोसेसेस बच्चों को बताएंगे उतना ही उसे इस फिजिकल वर्ल्ड की अच्छी नॉलेज होगी। इसके अलावा अनुभव का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत, अनुभव मीन्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, जो भी आप चीज़ बच्चों को पढ़ाएं आप करिकुलम में डालें उसमें आप बच्चों को ऐसी चीज़ें डालें जो बच्चा अपने आसपास देख सकता है, जिनको आसपास अपने एक्सपीरियंस कर सकता है। इसके अलावा साइंस और सोशल साइंस को अलग अलग ना पढ़ाकर एक दूसरे से मिलाकर पढ़ाएं, जैसा कि नेचुरलिस्ट कहते थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि नेचुरलिज्म ने भी इसी बात पे फोकस किया कि नॉलेज तो एक ही है, और उसी को हम ही ने सोशल साइंस और साइंस और मैथमेटिक्स में कैटेगराइज कर दिया, लेकिन नॉलेज इज नॉलेज, तो बच्चों को भी नॉलेज इज नॉलेज, बेशक आप अलग अलग चीजें पढ़ाएं लेकिन इसको ऐसे ना पढ़ाएं कि सोशल साइंस बिल्कुल डिफरेंट कंपार्टमेंट है, साइंस एकदम अलग कंपार्टमेंट है और मैथमेटिक्स तो बिल्कुल डिफरेंट कंपार्टमेंट है। नो, ऑल आर सेम थिंग, ऑल आर नॉलेज एंड ऑल आर इंटर रिलेटेड। वही चीज यहां भी इन्होंने बोला है एकीकरण के सिद्धांत के रूप में, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन के रूप में। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमने एम्स ऑफ एजुकेशन डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया कि करिकुलम क्या होना चाहिए, करिकुलम के कौन कौन से प्रिंसिपल होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षण विधियों की, शिक्षण विधियों का अर्थ हो गया टीचिंग मेथड्स कौन से होने चाहिए। तो टीचिंग मेथड में सबसे पहले तो आपको किल पैट्रिक का प्रोजेक्ट मेथड ही याद रखना है, क्योंकि मेरे ख्याल से यूजीसी नेट वालों का बड़ा फेवरेट सवाल है और कई बार रिपीट हुआ है। और इसके अलावा एज सच उन्होंने बहुत सारे कोई मेथड नहीं बताए, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हैं प्रेगमेटिज्म की डेफिनेशन से ही, जैसे दे प्रेफर दोज मेथड्स विच आर हैविंग एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड को फोकस करती हैं। दे प्रेफर दोज मेथड्स इन विच वी परफॉर्म एनी एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेशन, दे परफॉर्म दोज मेथड्स इन विच लर्निंग बाय डूइंग इज देयर, दे परफॉर्म दोज मेथड्स विच आर इजी टू अप्लाई बट दे रिजेक्ट लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड को पूरे तरीके से नकार देते हैं प्रेगमेटिस्ट। उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार जब तक आप क्रियाशील नहीं बताएंगे, इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जब आप साइंस पढ़ा रहे हैं और साइंस में ही मान लीजिए आप कोई भी प्रिंसिपल पढ़ा रहे हैं, तो उस प्रिंसिपल को आप रिलेट कर सकते हैं डे टू डे लाइफ से, कि किस तरीके से उस प्रिंसिपल की वजह से कितनी इन्वेंशंस हुई और उन उन इन्वेंशंस की वजह से कहाँ कहाँ, जैसे एक न्यूटन्स के लॉ आए, न्यूटन के लॉज पे बेस्ड लोगों ने फिर ढूंढना शुरू किया कि न्यूटन के लॉ पर आधारित कई सारी इन्वेंशंस हुई, और उन इन्वेंशन से हमारी सोसाइटी चेंज हो गई, सोशल स्टैंडर्ड चेंज हो गया, और उन चीज़ों को हम लोग हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज की नॉलेज दूसरी चीज से इंटर रिलेटेड है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, तो यहाँ पर मैं जब मुझे बिजनेस स्टडीज पढ़ाया जाता था और अकाउंटेंसी पढ़ाई जाती थी और इकोनॉमिक्स, ये तीनों अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, तो मुझे लगता था कि ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया और जब मुझे बीएड में जब एक सर हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा,
प्रोफेसर एस के भाटिया सर, जिन्होंने मुझे टीचिंग ऑफ कॉमर्स पढ़ाया था, वन ऑफ द वेरी वेरी लर्नेड पर्सनैलिटी ऑफ CIE यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, प्रोफेसर एस के भाटिया, उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोगों को जो समझाया, उसके बाद मुझे समझ में आया कि एक्चुअली अगर आप बिजनेस का कोई कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो उसी कॉन्सेप्ट में आप अकाउंटिंग लेके आइए, उसी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक्स से भी आप रिलेट कर सकते हैं, तो किस तरीके से आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। ये जो EVS का कॉन्सेप्ट है ये पहले नहीं था, अब आया, ये जो जब से अब इंटीग्रेशन की बात होनी शुरू हुई है तब से EVS का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ है। तो EVS इज वॉट? EVS इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर सोशल साइंस और साइंस को इस तरीके से पढ़ाया गया कि बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि कहाँ वो सोशल साइंस पढ़ रहा है, कहाँ वो साइंस पढ़ रहा है। ही इज गेटिंग द नॉलेज। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जब जो EVS का कॉन्सेप्ट आया, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैंने भी अपने लाइफ में बहुत प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन को सीखने के बाद काफ़ी यूज़ किया है, और व्हेनेवर आई टीच एनी सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल कल मैं आपको नेचुरलिज्म बता रहा था, और नेचुरलिज्म में जो मैकेनिस्टिक नेचुरलिज्म को मैंने रिलेट किया किससे, बिहेवियरिस्टिक फिलोसफी से, बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी से। तो मैंने आपको बताया कि जो मैकेनिस्टिक नेचुरलिज्म है इट इज द बेस फॉर बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी, क्योंकि जो बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस बात को आधार मानते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर कैन बी मैकेनाइज्ड। अगर रिपीटेडली आप कोई काम करोगे, रिपीटेडली कई बार कोई काम करोगे, तो यू कम टू ए स्टेज जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि आप एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप कई बार कोई काम करते हो, जैसे मैं ड्राइविंग से एग्जाम्पल लेता हूँ, शुरुआत में आप जब ड्राइविंग सीखते हैं तो आपका एकदम आपका स्टीयरिंग पे हाथ रहता है, और एकदम से ऐसा लगता है कि आपको यहां से भी कोई आ रहा है, वहां से भी कोई आ रहा है, और पूरा फोकस आपका सामने रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप यूज्ड टू होते हैं ड्राइविंग के, क्या होता है, आपका जो पोस्चर ऐसे था वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, फिर जो दोनों हाथ आपके स्टीयरिंग पे थे वो एक ही हाथ रह जाता है, एक हाथ आपका रिलैक्स रहता है या गियर पे होता है। उसके बाद फिर आप बात फोन पे बात करना भी शुरू कर देते हैं, बट माइंड यू बहुत खराब प्रैक्टिस है, कभी नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से आप कई बार कुछ खाना पीना भी साथ के साथ, मतलब कई सारी चीजें, और एक टाइम ऐसा आता है जब आपको लगता ही नहीं कि आप ड्राइव कर रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे होते हैं बट योर बॉडी इज वर्किंग। तो जैसे जब शुरुआत में कोई व्यक्ति जैसे एकदम से सामने आता था तो एकदम से आप ब्रेक मारते थे डर के मारे, और ध्यान रखते थे कि मुझे अब ब्रेक मारनी, अब ब्रेक मारनी है। लेकिन जब 2-3 साल आपको लगातार ड्राइव करते हुए हो जाते हैं, तो फिर आप किसी को देखते हुए सोचकर ब्रेक नहीं लगाते हैं, ऑटोमेटिकली आपका पैर ब्रेक पर चला जाता है जैसे ही कोई सामने आता है, या जैसे ही आपको गाड़ी को मूव करना होता है ऑटोमेटिकली आपका हैंडल टर्न हो जाता है। तो ये जो चीज़ें आपके अंदर आती हैं बॉडी के अंदर, ये मल्टीपल प्रैक्टिस के बाद आती हैं, और मल्टीपल प्रैक्टिस के बाद आपका शरीर एक मशीन की तरह काम करता है एज पर बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी। तो मैकेनिस्टिक नेचुरलिज्म को मैंने रिलेट किया बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी से। अब नेचुरलिज्म इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी, और ये बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। तो एक फिलोसफी का कॉन्सेप्ट, एक साइकोलॉजी का, तो मैंने रिलेट कर दिया। ऐसे कई सारी चीज़ें बिल्कुल रिलेटेड हैं, ठीक है। तो यही चीज़ प्रेगमेटिस्ट इसको सपोर्ट करते हैं, दे सेड दैट करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। होपफुली आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, बट मुझे लगा कि अच्छा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहिए, और समझने से ज़्यादा हमें इसको जीवन में उतारना चाहिए। आप बेशक UGC नेट की कोचिंग कर रहे हैं, बट बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको आप केवल एग्जाम क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना समझें। ये चीजें अगर आप अपने जीवन में लेके आएंगे, अपने व्यक्तित्व में लेके आएंगे, आप देखेंगे कि आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, मतलब जो पर्सनैलिटी की एनरिचमेंट हो जाएगी, और ये एनरिचमेंट और का कॉन्सेप्ट हम लोग साइकोलॉजी में बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने टीचिंग मेथड्स की बात की, तो टीचिंग मेथड मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंटल मेथड होना चाहिए, प्रोजेक्ट मेथड तो खास करके किलपैट्रिक ने बताया, इसके अलावा और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन मेथड्स हैं, लेकिन वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बच्चों के इंटरेस्ट का ध्यान रखना है, बच्चों के लेवल का ध्यान रखना है, और कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर मेथड को कम से कम यूज़ करते हुए एक्टिविटी बेस्ड मेथड को ही फॉलो करना है टीचिंग में। इसके बाद जब हम बात करते हैं डिसिप्लिन की, तो जॉन डीवी ने
सोशल डिसिप्लिन की बात की है, उन्होंने कहा कि अगर आप क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बना देंगे, स्कूल एनवायरनमेंट को इंटरेस्टिंग बना देंगे, तो उसके बाद आपको डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज या डिसिप्लिन किसी थर्ड अथॉरिटी से कराने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। क्योंकि जब स्टूडेंट्स को अपने इंटरेस्ट की चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं, दे ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली गेट डिसिप्लिन बाय देमसेल्व्स, वो अपने आप ही डिसिप्लिन होना शुरू हो जाएंगे। तो आपका जो काम है वो उनको डरा धमका के डिसिप्लिन करना नहीं है, उन्हें ये बताना नहीं है कि ये डिसिप्लिन है और ये आपको करना पड़ेगा। यू ओनली नीड टू डू इज मेक देयर एनवायरमेंट इंटरेस्टिंग, मेक देयर क्लासरूम इंटरेस्टिंग, मेक द टीचिंग मेथड इंटरेस्टिंग, मेक देयर बुक्स इंटरेस्टिंग, ऑटोमेटिकली दे विल गेट डिसिप्लिन। सो फॉर एग्जाम्पल, इसका इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जब बच्चे कार्टून देख रहे होते हैं तो कितने डिसिप्लिन होकर देखते, एकदम ध्यान से देखते, क्यों? क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट, उनके लिए उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। सिमिलरली आप पढ़ाएंगे, अगर आपको कोई मूवी बड़ी अच्छी लगती है तो कितना डिसिप्लिन होकर उस मूवी को आप देखते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति पढ़ाने में भी उतना उतना इंटरेस्ट लेकर आएगा, तो ऑटोमेटिकली आप उसकी उसके लेक्चर को भी उतना डिसिप्लिन होकर सुनेंगे, अपने आप ही, आपको कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल ऑटोमेटिकली गेट डिसिप्लिन ऑन योर ओन। एंड उसके बाद टीचर और स्टूडेंट के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि प्रेगमेटिस्ट के अकॉर्डिंग प्रेगमेटिस्ट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू टीचर एंड स्टूडेंट। इनके अकॉर्डिंग अध्यापक का भी उतना महत्व है और बच्चे का भी उतना महत्व है। तो इस मायने में ये रियलिस्ट और प्रेगमेटिस्ट से डिफर करते हैं, और आइडियलिस्ट से भी डिफर करते हैं, क्योंकि आइडियलिस्ट में टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, नेचुरलिस्ट में चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, और यहाँ पर एक मिडवे आपको दिया गया है। और इसके बाद अगर हम स्कूल की बात करें तो एक ट्रेडिशनल स्कूल को ये डिस्कार्ड करते हैं, इनके अकॉर्डिंग स्कूल एक ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस होना चाहिए जहाँ जाने के लिए बच्चे घर से लड़ें। तो इस तरह का एनवायरनमेंट स्कूल में होना चाहिए जिसमें एक्टिविटीज़ हों, एक्सपेरिमेंट्स हों, कई चीज़ें बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जाए, डेमोन्स्ट्रेशंस हों, तो अपने आप चीज़ें इंटरेस्टिंग होनी शुरू हो जाएंगी। तो दिस वॉज द मेजर आइडिया बिहाइंड प्रेगमेटिज्म। होपफुली आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। छोटी छोटी और टेक्निकल चीज़ें थी जो मैंने बीच बीच में आपसे पूछी, अगर बताएं भी आपको, अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपने कहीं पढ़ा प्रेगमेटिज्म के अंदर और आपको समझ में नहीं आ रहा, यू कैन ऑलवेज कमेंट, यू कैन ऑलवेज कमेंट ऑन दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बाद में फेसबुक पे अवेलेबल रहेगी, तो उसमें भी आप लेटर ऑन भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे टैग कर दीजिएगा, मुझे मेरे पास नोटिफिकेशन आएगी, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, होपफुली यू मस्ट हैव एंजॉयड द क्लास, थैंक यू सो मच।